चलो मैं जल्दी से मेरे लिए मैगी बना लेती हूँ, वरना ऑफिस जाने में बहुत देर हो जाएगी। चलो ये मैगी तो बन गई है, अब मैं जल्दी से जाकर ऑफिस जाने की तैयारी कर लेती हूँ। यार ये मेरी रेड वाली जॉकेट कहाँ गई, मिल नहीं रही है। ओहो यार मैंने सारी अलमारी में ढूंढ ली है, मेरी ब्लैक जैकेट तो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। यार सारी अलमारी छान मारी पर मेरी ब्लैक जॉकेट तो मुझे मिल ही नहीं रही है। छोड़ो यार मैं जल्दी से जाके अपना नाश्ता कर लेती हूँ, वरना ऑफिस जाने में और देर हो जाएगी। पर जाने से पहले एक बार मैं पूजा से पूछ लेती हूँ, कहीं उसने मेरी ड्रेस देखी हो। पूजा पूजा यहाँ आओ जरा, क्या तुमने मेरी ब्लैक जॉकेट देखी है? पूजा यार ये तो सुन भी नहीं रही है। अरे ये तो ऋषिका की जैकेट है, उसके आने से पहले मैं जल्दी से निकाल देती हूँ। अब थोड़ी चैन की सांस मिली मुझे। पूजा तुमने मेरी ब्लैक वाली जॉकेट देखी क्या? तब से मैं उसको लाई हूँ ना, मैंने एक भी बार नहीं पहना, और आज मुझे उसे पहनने का मन कर रहा था तो वो मिली नहीं रही है। अरे मुझे क्या पता तुम्हारी जैकेट तुम कहीं पर रख कर भूल गई होंगी, मुझसे क्यों पूछ रही हो, खुद ढूंढ लो ना। यार पूजा मेरी जॉकेट नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वरना मैं क्यों तुमसे पूछती। खैर छोड़ो मैं तो अपना नाश्ता करके ऑफिस निकल जाती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। बाल बाल बच गई मैं, थैंक गॉड गई यहाँ से। वो क्या रखा है तुम्हारे पास में? अरे कुछ भी तो नहीं, क्या है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। वन मिनट, शायद ये मेरी जॉकेट है। आई डोंट बिलीव इट पूजा, और तो और तुमने मुझसे झूठ भी बोला कि तुमने मेरी जॉकेट नहीं छुपाई है, जबकि तुमने ही मेरी जॉकेट छुपाई थी, और तो और मेरी मैगी भी खा गई तुम बनी हुई। पूजा तुम्हें पता है ना मैंने इस जॉकेट को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी, और तुम मुझे इसको छुपा कर बैठी हो। यार ऋषिका मैंने तुम्हारी मैगी खाई, कुछ और तो नहीं खाया, इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? क्या तुम्हें आसान बात लग रही है मैगी बनाना? बना कर खा कर देखो कभी, तब पता चलेगा। और हाँ तुमने मेरी ये जैकेट पहनी है ना, ये मैंने एक भी बार नहीं पहनी थी और तुमने इसको पहन लिया। पूजा यार तुम कब सुधरोगी? ये क्या पूजा तुमने मेरी न्यू जैकेट पर मैगी गिरा दी। पूजा यार लो पहनो अब तुम्हें इस जैकेट को, मुझे नहीं पहनना।
अच्छे से पहनूंगी। अरे ये क्या है? ये क्या पूजा? मैंने तुम्हें सारे रुपए दे दिए थे ना बिल पे करने के, फिर भी तुमने अभी तक बिल पे नहीं किए। वो क्या है ऋषि का, उन पैसों के ना मैंने कपड़े खरीद लिए। I'm so sorry. I don't believe you, पूजा। पूजा, अभी तक तुमने एक भी बिल पे नहीं किया। अगर लाइट चली गई तो हमारा क्या होगा? ये लो, लाइट भी चली गई। पूजा, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ रह के। फालतू मेरा टाइम वेस्ट कर दिया तुम्हारे साथ रह के मैंने। अब गई हूँ मैं तुम्हारे साथ रह रह के। अब तुम्हें तुम्हारे जैसा रूममेट्स मिलेगा ना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। ये लो अपने बिल, करना पे तुम्हें। अरे ऋषि का, रुको रुको यार। जाती है तो जाने दे, मुझे क्या कोई और रूममेट्स नहीं मिलेगी क्या? मैं तो अपनी मैगी खा लेती हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा के पास रहने के लिए एक नई रूममेट आती है। पता है तुम्हें, मैं ना बहुत दिनों से रूममेट ढूंढ रही थी, बट मुझे एक भी रूममेट नहीं मिली। अब तुम मिल गई ना तो मुझे बहुत खुशी हो रही। हम ना बहुत मस्तियाँ किया करेंगे दोनों साथ में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर, ऑफ कोर्स। यार मैं ना बहुत दूर से चल कर के आ रही हूँ इतनी धूप में, मुझे ना बहुत तेज भूख लगने लगी, तो प्लीज तुम जाओ और मेरे लिए कुछ नाश्ता बनाकर लेके आओ। What? क्या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी? हाँ, क्योंकि मैं इतनी दूर से चलकर जो आई हूँ। जाओ जल्दी से मुझे कुछ बनाकर लाओ। Shit, okay. वैसे अच्छा है रूम तो। यार आज तो मैं ऑफिस से लौटते वक्त बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। यार पूजा, वो क्या है ना, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या थोड़े पैसे मिलेंगे? मुझे शॉपिंग जाना है। अरे पैसे पैसे वाली तो बात ही नहीं, पिछले महीने का तुमने रेंट भी पे नहीं किया, और कब देने वाली हो वो तुम? अरे ये क्या, इसने मेरी जैकेट पहनी हुई है। अरे सोनम, ये क्या, तुमने मेरी नई जैकेट पहन रखी है? हाँ तो पहन रखी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैकेट ही तो पहनी है मैंने। अरे सोनम, तुम ऐसे कैसे पहन सकती हो, मैं अभी लाई थी, न्यू है वो। पूजा तुम्हें पैसे नहीं देना इसलिए तुम बहाने बना रही हो, मुझे पता है। देखो अब ये बहाने मत बनाओ पैसे ना देने के, ठीक है? अरे पैसे पैसे वाली तो बात ही नहीं, पिछले महीने का तुमने रेंट भी पे नहीं किया। अरे सोनम, घर ऐसे ही नहीं चलता, बहुत सारे बिल पे करने होते हैं तब घर चलता है, ऊपर से तुम भी मुझसे पैसे मांग रही हो। हाँ एक महीने की तो बात है यार, तुम इतना नहीं कर सकती हो मेरे लिए? मुझे नहीं करना, वरना मैं करूंगी नहीं बिल पे, इतना दिमाग खा रही हो मेरे। पैसे दे रही हो क्या तुम, तो ये बोलो। मेरे पास कुछ नहीं, मैं नहीं दे रही कुछ पैसे वैसे। ये पर्स तो है। अरे सोनम पर्स दो इधर। देखो मुझे शॉपिंग करना है प्लीज, और मुझे ये पर्स ले जाने दो। अरे सोनम मेरा पर्स दो, बाद में दे दूंगी। हे भगवान, ये कैसी रूममेट मिल गई मुझे। यार ऋषि का कितनी अच्छी रूममेट थी, वो हमेशा मेरी मदद करती थी, और मैं उससे कुछ भी मांगती थी मुझे जल्दी से दे देती थी। मुझे उसकी ना बहुत याद आ रही है। और तो और कभी मेरी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया करती थी, बल्कि उसकी चीजें मैं ही पहनती थी। चलो अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, ऑफिस के लिए कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मुझे अपने दोस्तों से मांग मांग के पे करना पड़ता है सब कुछ, कुछ भी नहीं करती, मैं तो इससे तंग आ गई हूँ।
अरे सोनम, ये क्या? ये टमाटर ना मैंने चटनी बनाने के लिए लिए थे और तुम ये कच्चे खा रही हो। अरे एक खा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? अरे सोनम, मैं तो तुमसे तंग आ गई हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ना तुम इलेक्ट्रिक बिल पे करती हो, ना तुम रेंट पे करती हो, मैं कहाँ तक करूँ? मैं थक गई हूँ अपने प्रेम से पैसे ले लेकर। हाँ तो मैं क्या करूँ, पैसे तो ले रही हूँ फ्रेंड से, और किसी और से थोड़ी ना मांग रही हो। तो तुम भी तो दिया करो ना। वो तो सही, मुझे नहीं रखना तुम जैसी रूममेट, मैं तो किसी और रूममेट को रख लूंगी। जाओ तुम यहाँ से। ये इतनी धौंस किसको दे रही हो? मुझे का कोई और रूम नहीं मिलेगा क्या? हाँ तो निकलो यहाँ से। हाँ निकल रही हूँ, वैसे भी ना मुझे तुम जैसी रूममेट पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं है तुम जैसी। हाँ मुझे भी यहाँ कोई रहने का शौक नहीं है, जा रही हूँ मैं तो। और ये सागे टमाटर भी लेकर जाऊंगी, बहुत अच्छे लगे, और अब नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। जाओ यहाँ से, दोबारा शकल दिखाने मत आना। सारा दिन खाती रहती हो, कुछ काम तो करती नहीं हो। हे भगवान, ये कितनी बदतमीज रूममेट थी। मुझे ना ऋषि का ही अच्छी लगती थी, वो कितनी अच्छी थी, कभी तो जुबान भी नहीं चला। ये दिन भर बस चपल चपल करती रहती है मेरे सर पे। यार ऋषि का कितनी अच्छी रूममेट थी, उसके बिगड़ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसको ना मैं कॉल करके बुला लेती हूँ, हो सकता है वापस आ जाए। हेलो ऋषि का, I just want to be somebody who knows. Oh, Rishika, तुम आ गई, तुम ना आ गई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ना सबसे बेस्ट रूममेट हो, और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। Rishika, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मुझे यही काफी है। और इसी का तुम मुझे छोड़कर कभी जाओगी तो नहीं? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हम हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा साथ रहा करेंगे। हम दोनों खूब मस्ती किया करेंगे। I need someone to talk to.